हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम बात करते हैं मारुति सुजुकी जिम्नी के बारे में। जिम्नी जो कि एक नई जीप है इंडियन इंडस्ट्री के लिए, वो लॉन्च होने वाली है कुछ ही टाइम में, जिसकी डिलीवरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। कार जो है बहुत अच्छी है, मैंने इसका काफ़ी चेक किया है, और इसमें हिल होल्ड असिस्ट है, डिसेंट हिल कंट्रोल है, इसके जो ब्रेक्स हैं वो भी अच्छे हैं, एंड एयर बैग्स भी हैं, दो फ्रंट को हैं, साइड पे भी हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। 4x4 का भी इसमें ऑप्शन है, 2x का भी हो जाएगा। कलर्स इसमें बहुत प्यारे हैं, लाल रंग भी है, ये कनेटिक येलो कलर है, एंड आपको मैं ये कलर दिखाता हूँ, रेड में आ गया, ये आपका ब्लूइश टोन में आ गया, डार्क ब्लू में आ गया, ब्लूइश ब्लैक, और आपका ये कलर आ गया सिजलिंग रेड। ये कलर जो था इसमें थोड़ा सा ब्लूइश कलर और रेड टोन है, ये भी अच्छा कलर है, चलेगा ये। एंड आपका ये आ गया ग्रे में, ग्रेनाइट ग्रे, ये भी अच्छा कलर है, एंड वाइट में, जैसे कि ओल्ड जिप्सी आती थी। तो ये एक तरह का जिप्सी का एवोल्यूशन वर्जन ही है जिम्नी, जो वर्ल्ड वाइड मिलता है। एंड कार जो है अच्छी है, मैंने इसको चेक किया, तो इसमें काफ़ी फीचर्स हैं। इसमें LED लैंप्स पे वॉशर लगा है, अलॉय व्हील दिए हैं आपको, सस्पेंशन अच्छा है, लेदर चेसिस दी गई है इसमें। तो आपको मैं इसका ओपन करके दिखाता हूँ, एंड आप देख सकते हैं इसकी ई बुक मैंने डाउनलोड की थी, जिम्नी काइनेटिक येलो कलर। यहाँ पे इन्होंने वॉशर दिया है इस पॉइंट पे, अगर आपको अपनी हेडलाइट वॉश करनी है तो। अलॉयज हैं, चैसी अच्छी है इसकी, एप्पल कार प्ले है, इंफोटेनमेंट सिस्टम अच्छा है, 4 सीटर कैपेसिटी है, पीछे की तरफ भी आप बैठ सकते हैं, चार्जिंग भी लगा सकते हैं वहाँ पे, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। 4 डोर है, थार की तरह 2 नहीं है। पीछे एक आपको इन्होंने दिया हुआ है एक टांगने के लिए आपका टायर एक्स्ट्रा, एंड वहाँ पे कैमरा भी है टॉप मॉडल में। एंड कार जो है ये देखिए 1970 में फर्स्ट आई थी, फिर सेकेंड जनरेशन 1981 में, फिर थर्ड जनरेशन जो थी वो ये आई, फोर्थ जनरेशन जो है जिम्नी 2018 में आ गई थी वर्ल्ड वाइड, इंडिया में आप ये दे रहे हैं, और आप इसे अपनी कैंपिंग पे लेके जाना चाहते हैं वहाँ ले जा सकते हैं, ऑफ रोडिंग कर सकते हैं इससे, और इसके जो एंगल्स हैं वो सही हैं, और क्लियरेंस भी सही है, 210 mm की है ग्राउंड क्लियरेंस। इंजन जो है इनका 1.5 लीटर कप्पा सीरीज इंजन जो चलता है, ऑल ग्रिप प्रो, और ये देख सकते हैं लैडर चेसिस जैसे मैंने आपको पहले बताया, एंगल सस्पेंशन भी ठीक है जो टिपिकल मारुति की गाड़ियों में होता है, और कार तो सॉलिड है, बॉडी आपको पता है मारुति की कैसी होती है। तो अगर टाटा अगर ये फंक्शन में लेके आती तो मैं तो इसको ज़रूर बाय करूँगा, मारुति की बॉडी पे मुझे ट्रस्ट नहीं है, बाकी इंजन वगैरह पे ट्रस्ट है। और छत भी अच्छी है, ड्यूल टोन कलर है, ये देखिए मैंने आपको बताया था वॉशर है यहाँ पे, और अंदर से देख लिए इंटीरियर कैसा है, यहाँ पे एसीज वेंट दिए गए हैं, मारुति का जैसे सिस्टम होता है वैसे है। यहाँ पे आप अपना आईफोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, USB लगा सकते हैं, आपको यहाँ पे स्टेयरिंग पे सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह, फ़ोन का स्टार्ट स्टॉप दिया गया राइट साइड में, एसी वेंट है, टच स्क्रीन है, और गियर बॉक्स हैं ये, और आप देख सकते हैं स्क्रैच रेजिस्टेंट सरफेसेस हैं सारे इसके, कंफर्टेबल सीट है, ये बैक सीट का है, फ्रंट का भी है, फ्रंट में भी ऐसे ही सेम है, और एयर बैग्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ब्रेक इसके स्लिप नहीं करते, इसमें इन्होंने कॉइल्स लगाए हैं, और आपका ये रहा इसका टच सिस्टम, तो सबसे मेन आ गया, पीछे से भी खुल जाती है, सबसे बड़ा फीचर है इसका। आप यहाँ पे अपनी बॉटल्स रख सकते हैं, सीट बेल्ट भी लगा सकते हैं, एंड यहाँ पे आप कलर्स आ गया, सिजलिंग रेड विद ग्रेनाइट ग्रे, पर्ल आर्कटिक वाइट, ब्लूश ब्लैक, नेक्सा ब्लू, और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आ गई हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 40 लीटर की है, पावर स्टीयरिंग इलेक्ट्रिक है, नंबर ऑफ सिलेंडर 4, और पेट्रोल वर्जन में है, ऑटोमेटिक भी मिल जाएगी, ऑल ग्रिप प्रो विद लो रेंज ट्रांसफर गियर, वेट इसका करीबन 1545 किलो है, और R15 का इसका व्हील साइज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क है, फ्रंट ब्रेक डिस्क है, पीछे वाली ड्रम्स हैं, और 36 डिग्री आगे की तरफ, पीछे की तरफ 50 डिग्री है, रैम की तरफ 24 डिग्री, लैडर फ्रेम है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, 210 mm का इंडियन रोड कैपेसिटी के हिसाब से, बूट स्पेस 208 लीटर की है। तो ओवरऑल गाड़ी सही है,
और आपको काफ़ी फीचर्स दे रहे हैं ये लोग, ये देख सकते हैं, और सेंट्रल लॉकिंग भी दे रहे हैं साथ में ये। जब आप बाय करेंगे अल्फा वर्जन इसमें बाय करेंगे तो ऑटोमेटिक भी है क्लाइमेट का उसमें, तो स्टार्ट स्टॉप क्रूज कंट्रोल लेदर ऐप स्टीयरिंग व्हील ड्राइव साइड पावर विंडो मिलेगी दोनों साइड पे, आपके आगे पीछे नेवर स्क्रैच रेजिस्टेंट है, टिल्ट पावर स्टीयरिंग ऑल पावर विंडो रियर एसेसरी सॉकेट होल्स हैं, डिजिटल क्लॉक सेंट्रल डोर लॉकिंग स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल टेक्नोमीटर फ्लोर मीटर फ्रंट एंड रियर डिस्टेबल हेडसेट सब कुछ दे रहे हैं। ऑडियो में भी 12x22 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन है एंड काफ़ी कुछ है यहाँ पे। सेफ्टी वाइज यहाँ पे एयरबैग्स हैं, फ्रंट बैग, ABS, IBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा जैसे मैंने आपको बताया, सब कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे, तो ओवरऑल ठीक है। बस मैं बॉडी का ही मुझे टेंशन होती है क्योंकि बॉडी बहुत हल्की होती है। ओवरऑल मारुति एक अच्छे प्राइस में आपको 6 से 10 लाख में बहुत ही अच्छा आपको दे रही है। कार वाले भी वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कार वाले की वेबसाइट पे 9 से 11 लाख है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इसका जो प्राइस है थोड़ा ज़्यादा आएगा, ये 12 लाख से ऊपर आएगा जो इसमें फीचर्स दे रही है मारुति। और साइड से आप देख सकते हैं काफ़ी ऊँची लग रही है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, थैंक यू।